अब जैसे आप ऑप्शन नंबर वन को लीजिए ठीक है इसमें कह रहा है ए डी इज ग्रेटर बी सी है तो यू कैन से कि ए अपॉन बी ग्रेटर होगा सी अपॉन डी के सबसे बेस्ट वे है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक like हम ले लेते हैं ए अपॉन बी मतलब इस फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं टू अपॉन थ्री ठीक है और दूसरा फ्रैक्शन हम लेते ले 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 हैं सब रिड्यूस फॉर्म में ले लेते हैं अगर डी ए डी का मतलब ये बी ये है ये सी है ये डी है, है अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा बी सी अगर ए डी ग्रेटर हो जाएगा बी सी के तो क्या ये कंडीशन ठीक हो जाएगी कि ए अपॉन बी भी ग्रेटर हो जाएगा सी अपॉन डी के एडी एंड बी सी सो देखिए ये वी कैन से कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज़ देखिए अगर एडी अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर ग्रेटर आता है इन कंपैरिजन टू दिस नंबर सो यू कैन से ऑप्शन नंबर वन a d greater than b c then a upon b greater than c d is the correct answer now come to the option number two अगर a b मतलब a और b का मल्टीप्लाई करने पे smaller आता है c और d के तो a upon b c d no देखिए a upon b क्या हो जाएगा a upon b is smaller than अगर c upon d है इफ कंडीशन है ए बी भी स्मॉलर सी अपॉन सी डी के तो ये कंडीशन रॉन्ग है क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन को देखते हैं तो ऑलवेज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन ए बी नहीं ए डी इंटू सी बी होने की सी बी जैसे कि फर्स्ट में है ए बी इक्वल टू सी डी ए पॉइंट बीज इक्वल टू सी ए पॉसिबल ही नहीं है कि जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों का इक्वल दोनों जरूरी नहीं है तो तो पॉसिबल ही नहीं है नहीं, of, question, से नीट आई आई टी जाएगी मीन तो और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर